Assalamualaikum students of class 1, take out your English grammar copy. Open page number 19, essay का title page बनाइए. Page number 20 पे आइए. Date डालिए, CW लिखिए. Essay on my mother. Mother पे हमने essay लिखा है. First sentences का. My mother name is dash. यानी कि इस dash में आप अपनी mother का नाम लिखिएगा. सेकेंड देखिए, शी इज़ वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत हैं. थर्ड देखिए, शी मेक्स टेस्टी फूड, वो मज़ेदार खाने बनाती हैं. फोर्थ देखिए, शी ऑफर्स 5 time prayers, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं. फिफ्थ देखिए, आई लव माई मदर, मुझे अपनी अम्मी से मोहब्बत है. ये 5 sentences हैं जो आपने अपनी मदर पे लिखे हैं. माई मदर नेम इज़, यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिखिए. शी इज़ वेरी प्रिटी, शी मेक्स टेस्टी फूड, शी ऑफर्स 5 time prayers, आई लव माई मदर. इसके बाद पेज नंबर 21 पे आइए, डेट डाल दीजिए और CW लिखिए. अरेंज द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की तरतीब से लिखेंगे. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या कहलाते हैं? A to Z, यानी कि A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, उसके बाद A B C D E F G H I J के पूरी Z तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से हम इनको तरतीब से लिखेंगे. अब यहाँ कैट, बॉल, एप्पल, ठीक है, ये बेतरतीब लिखा है, आगे पीछे लिखा है. अब आपने इसको तरतीब से कैसे लिखना है, आपने पता करना है कि सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है. सी आता है पहले, बी आता है पहले, या ए आता है पहले. कौन सा लफ्ज़ हम पहले लिखेंगे, कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला लफ्ज़ हम पहले लिखेंगे. ए, एप्पल, एप्पल, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, तो ए से शुरू होने वाला लफ्ज़ हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे. ठीक है, एप्पल. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की तरतीब के लिए हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखते हैं. ठीक है, हम फर्स्ट लेटर की तरतीब से देखते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आना है. ठीक है, कौन से वर्ड से, यानी कि कौन से लेटर से शुरू होने वाला लफ्ज़ पहले आएगा. जैसे यहाँ पे ए सबसे पहले आता है, ए बी सी डी आप पढ़ें तो ए सबसे पहले आता है, तो ए से शुरू होने वाला लफ्ज़ हमने लिख दिया. ए के बाद क्या आएगा, सी या बी. ए के बाद क्या आता है, सी या बी. ए बी, तो हम अब लिखेंगे बी से शुरू होने वाला लफ्ज़. ए के बाद लिखेंगे हम बी से शुरू होने वाला लफ्ज़, यानी कि बॉल. ए बी, अब क्या आएगा, सी. सी से शुरू होने वाला लफ्ज़, यानी कि कैट. एप्पल, बॉल, कैट. अब सेकंड वाला देखिए, ईगल, डक, फ्रॉग. अब जब हम आंसर लिखेंगे तो कौन से लेटर से शुरू होने वाला लफ्ज़ लिखेंगे, हम ई पहले आता है, डी पहले आता है, या एफ पहले आता है. ई, डी, एफ, इन तीनों अल्फ़ाबेट्स में से कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, चलिए हम ए बी सी डी पढ़ते हैं. ए बी सी डी, इन तीनों लेटर्स में से कौन सा पहले आता है, डी. ई, डी और एफ, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स में से कौन सा लेटर पहले आता है, डी. ए बी सी डी, तो हम पहले क्या लिखेंगे, डक. डक, डी से शुरू होने वाला लफ्ज़, डक. डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई. ई, ई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईगल. ई से शुरू होने वाला लफ्ज़. एफ, ए बी सी डी ई एफ. फ्रॉग, डक, ईगल, फ्रॉग. नोज, हेयर, आइज, यहाँ पे कौन से, कौन कौन से अल्फाबेट मौजूद हैं, एन एच ई. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखते हैं. अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरतीब के लिए हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट लेटर्स को देखिए इनके, एन एच ई, इन तीनों लेटर्स में से कौन सा लेटर सबसे पहले आता है. ए बी सी डी पढ़िए, ए बी सी डी ई.
आईज, तो हम पहले क्या लिखेंगे, आईज, ई से शुरू होने वाला लव्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच, एच से शुरू होने वाला लव्स लिखेंगे हम, ई के बाद कौन सा लव्स लिखेंगे हम, एच से शुरू होने वाला हेयर, एच के बाद क्या है यहाँ पे, एन, नोज, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आना था, ई वाला आईज, ई के बाद कौन सा अल्फाबेट आना था, हेयर, एच से शुरू होने वाला, और लास्ट में कौन सा आया, एन, नोज। पेज नंबर 22 पे आइए, डेस्क, चेयर, बोर्ड, इसको आप खुद से तरतीब देके लिखिए, जिस तरह मैंने पिछले पेज पे समझाया है आपको, उसी तरह आप इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरतीब से लिखिए, रेड, ग्रीन, पर्पल। अब आप देखिए कि कौन सा अल्फाबेट से शुरू होने वाला लफ्ज़ पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है बेटा। ये वाला, ये दोनों वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।